अरे माँ, लकड़ी ढूंढ ढूंढ कर थक गया मैं, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, भूख तो मुझे भी लगी है, चिकन पकते ही खाना शुरू कर देंगे। अरे हमें भी भूख लगी है, चलो लंच ब्रेक लेते हैं। रुक जाओ, सब पहले अपना काम कर लो। अरे खाने की इतनी जल्दी क्या है? मुझसे ज्यादा भूख किसी को नहीं लगी होगी। चिकन किसने खा लिया? ओ मोटू मेरे यार, मेरे भाई, भूख हम सबको लगी है, तुमने अकेले ही सब चिकन खा लिए। अरे मैंने नहीं खाया, सच कह रहा हूँ, चाहे तो बतलू से पूछ लो। ये मोटू कभी नहीं सुधरेगा, चलो और चिकन लगाओ। भूखा ही रखेगा क्या? कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे मैंने चिकन नहीं खाए, मतलब तुम ही बताओ ना प्लीज। आप सब काम में बिजी हो जाओ, हम चोर को अभी पकड़ेंगे। आइडिया, अब आएगा ऊपर पहाड़ के नीचे। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, मुझे मिर्ची खिलाई मुझे। अरे ये तो एनाकोंडा है, जान प्यारी है तो भागो। बस 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 बस, और नहीं भाग सकता, थोड़ा रेस्ट कर लो। झूला झूलने में कितना मजा आ रहा है। अरे आप लोग कुछ भी इशारा करो, हम अभी नहीं उतरेंगे। अभी नहीं उतरोगे तो कभी नहीं उतरोगे। तुम इतना हकला क्यों रहे हो? तुमने चिकन में मिर्च डाल के मेरे पेट में पता नहीं क्या कर दिया, गुड़गुड़ हो रही है। अब तुम दोनों मेरे पेट के अंदर जाके उस गुड़गुड़ को ठीक करो। सॉरी सॉरी मेरे भैया, सॉरी, हम आज भागने में बिजी है। नाच गाना बंद करो और जितना तेज हो सकता है चप्पू चलाओ, एनाकोंडा पानी में भी तैर सकता है। अय्या माँ, चप्पू पानी में नहीं लग रहा, ये हवा में क्यों घूम रहा है? गुफा में लेके जाऊंगा, अपना खाना खाऊंगा, एक एक को धीरे धीरे चबा चबा के खाऊंगा, ओ माँ धीरे। ये कविता कर रहा है या डरा रहा है? डरा डरा के खाने में ज्यादा मजा है। मेरी भूख बढ़ती जा रही है। और मेरी भूख खत्म हो चुकी है। अरे हम कहाँ फंस गए? यहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, ये मेरा इलाका है। चलो एक गेम खेलते हैं, मैं बोट को हिलाऊंगा और जो पहले नदी में गिरेगा मैं पहले उसे खाऊंगा, ठीक है?
छांव अचानक हल्की क्यों लग रही है? खूब, बहुत खूब। ये लोग कभी हार नहीं मानते। इन्हें खाने में बहुत मजा आएगा। चिल्लाओ मत, हम सब इंसान हैं। हम किसी एनाकोंडा से हार नहीं मानेंगे। चलो एक साथ मिल के मुकाबला करेंगे। एक साथ मिल के भागने में ज्यादा भलाई है। वो देखो ट्री ब्रांच, चलो ट्री ब्रांच को पीछे धक्का देके रोकते हैं। जैसे ही एनाकोंडा नजदीक आएगा वो ब्रांच छोड़ देगी। चलो अब ये एनाकोंडा कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ, मैं भी खींचूं उस ब्रांच को। आज का दिन इस जंगल के इतिहास में मनोरंजन दिवस के नाम से जाना जाएगा। मेरी कमर टूट गई यार। अब और भागना है या तुम लोगों को खाना शुरू करूं? पहले उसे जिसने चिकन में मिर्च भरी थी। पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो। आइडिया, हे जंगल के राजा, हे नागराज, तुम हमें ऐसे नहीं खा सकते। मैं तुम्हें ऐसे कहाँ खा रहा हूँ? नमक मिर्च मसाला लगा के खाऊंगा। और सुनो, जंगल का राजा शेर होता है और नागराज कोबरा होता है, मैं नहीं। ज्यादा चापलूसी करने से कुछ नहीं होगा, समझे? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें हमसे रेस लगानी होगी। हम उस चट्टान तक भागेंगे। हम जीते तो तुम हमें नहीं खाओगे, और अगर तुम जीते तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं खाएंगे। मैं हमेशा रेफरी बनता हूँ। ओके, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। अब टाइम बर्बाद मत करो, रेस लगानी है या ऐसे ही खा लूं? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। मैं जीता तो वो मुझे नहीं खाएंगे, और वो जीते तो मैं उन्हें नहीं खाऊंगा, तो मैं उन्हें खाऊंगा कब? अरे सुनो सुनो, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। मेरे साथ धोखा, अभी बताता हूँ इन्हें धोखा देने वालों का क्या अंजाम होता है। जहाँ भी हो, अभी तक एनाकोंडा के बेग में नहीं गए हो। वहाँ एंड में एक वैली है और नीचे लावा बह रहा है। रुक जाओ, मैं तो तुम्हें जल्दी से खा लूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन लावे में गिरे तो बहुत दर्द होगा। पतलू मदद करो। सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें खाना चाहता था। हेल्प प्लीज। कोई बचाओ मुझे, आग से बहुत डर लगता है। पतलू देखो, वो बहुत डरा हुआ है। चलो उसे बचाते हैं, देखो कैसे रो रहा है। बुढ़ी बाबा, तू उसे बचाएगा और वो तुमको खाएगा। सीताराम कोई मुसीबत में है और हमसे मदद मांग रहा है, तो हम उसे मना कैसे कर सकते हैं? चलो आओ। अरे जल्दी करो, पेड़ टूट रहा है। तुम लोग कितने अच्छे हो, तुम लोगों का बहुत बहुत थैंक्स।
बोलिए क्या खाएंगे साहब? आलू मटर, आलू गोभी, आलू मेथी, मेथी मटर मलाई, मलाई कोफ्ता, नवरत्न कोरमा, चिकन तंदूरी, चिकन कढ़ाई, चिकन मुगलाई, मटन दो प्याजा, मटन रोगन जोश, मेथी मटर मलाई। ए चिंगम सर, टेबल नंबर 7 पे फटका मारो। Excuse me, हमें काम चाहिए, क्या आप हमें काम दे सकते हैं? लेकिन हमें एसी का काम नहीं आता है। क्या तुम दोनों एसी और एसी डक्ट को साफ कर सकते हो? सिर्फ साफ करना है? हाँ जी, साफ सफाई का काम तो हम दोनों बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक ऑफिस का एड्रेस देता हूँ, तुम दोनों वहाँ जाकर उनके ऑफिस का एसी साफ कर देना, एसी डक्ट को भी साफ कर देना। ओके सर, समझ लीजिए काम हो गया, चलो मोटू। ये एसी का ही रूम है, अपना काम शुरू करो और देखो जल्दी काम खत्म करना, यहाँ का बॉस बहुत गुस्से वाला है, जरा सा गुस्सा हुआ तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। मैं इस एसी को चमका दूंगा, यहाँ का बॉस खुश हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये हवा इतनी तेज क्यों हो गई? रामदीन, ये हवा इतनी तेज क्यों हो गई? साहब मोटू पतलू नाम के दो एसी मैकेनिक आए हैं, वो ही साफ सफाई कर रहे हैं। उनको कहो कि एसी को साफ करना है, ऑफिस को नहीं। हवा की स्पीड कम करो जल्दी। हम ऐसी सफाई करेंगे, ऐसी सफाई करेंगे कि बॉस खुश हो जाए। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? रामदीन, ये इतनी गर्मी क्यों है? सब वो एसी की साफ सफाई करने वाले आए हैं ना, उनको पकड़ के मेरे सामने लाओ। हा? मैं उनका वो हाल करूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जाओ, तुम लोग भी जाओ और उनको पकड़ के यहाँ लाओ। चलो उन दोनों मोटू पतलू को पकड़ के बॉस के सामने ले चलना है, उन्होंने काम करना मुश्किल कर दिया है, देखो कितनी गर्मी बढ़ा दी है, आओ मेरे साथ। मोटू ये गर्मी भी हमारी ही किसी गलती के वजह से बढ़ गई है, वो आ रहे हैं, बड़ी मार पड़ेगी। जल्दी से छूटना होगा। अरे कहाँ छूटूं? हाँ ये सही जगह है। हो रहा है मोटू पतलू। देखो एसी डक्ट में छुप रहे हैं, पकड़ो उन्हें। पतलू ये एसी डक्ट तो बहुत गर्म है। तेजी से आगे बढ़ो, अरे मेरे हाथ जल रहे हैं। अरे अरे हाथ का, यहाँ तो सब कुछ जल रहा है। मैंने उन दोनों एसी मैकेनिक्स को यहाँ बुलाया था, वो आए क्यों नहीं? सर सर, एसी मैकेनिक्स मोटू पतलू आ गए। सॉरी सर, हम एसी डक्ट साफ कर रहे थे। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं।
और कोई बाकी है ऊपर? एक बार में आ जाओ, क्यों बारी बारी आ रहे हो? ये मेरा ऑफिस है या सर्कस? तमाशा बना के रखा है, और पकड़ के लाओ उन दोनों को। मोटू जल्दी से सामान उठाओ और भागो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ये क्या? अरे एसी ठीक हो गया है, देखो अच्छी ठंडी हवा आ रही है। ओ, चलो ठीक है, अब कोई गुस्सा नहीं करेगा, अब आराम से साफ सफाई करो। चलो ठंडी हवा आनी शुरू हुई। फिर भी बॉस ने कहा है उन्हें पकड़ के ले आओ, तो लाना ही होगा। अब जाने दो ना, मैं बॉस को समझा लूंगा, उन्हें काम करने दो। ये इतनी ठंड पड़ गई है, बर्दाश्त नहीं हो रही। कोई ऐसी गुड़ी काम करो, कोई ऐसी गुड़ी काम करो। क्या कोई मुझे बताएगा कि मेरा ऑफिस सारा डेजर्ट में है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, या कश्मीर में है जहाँ स्नोफॉल होता है? मैं अभी मोटू पतलू को पकड़ के ले आता हूँ बॉस। सर सर, हमने सब साफ सफाई कर दी है। और अब हम भाग रहे हैं। वो भागने ना पाए, पकड़ो। सबकी छुट्टी है, सब एंजॉय करो, स्नोफॉल का मजा लो, जाओ। एक महीना हो गया उस ऑफिस में काम किए हुए, ना तो अभी तक एसी शॉप वाले का फोन आया और ना ही ऑफिस वालों का।
वो हमें ढूंढ रहे होंगे। मोटू पतलू दरवाजा खोलो, मोटू पतलू दरवाजा खोलो, सुन रहे हो? खोलो दरवाजा। लो, बहुत याद कर रहे थे ना, एक महीना हो गया कोई नहीं आया। अरे वो आ गया, अब जाओ और मार खाओ। अरे कोई है? अरे सुन रहे हो मोटू पतलू, दरवाजा खोलो, कोई है? खोलना तो पड़ेगा ही, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं थी, आप चाहे तो मोटू से पूछ लो। जी हाँ, पतलू ठीक कह रहा है, अरे उनका एसी तो पूरी तरह खराब था। तुम ठीक कह रहे हो, वो एसी एकदम खराब था। मैं हर हफ्ते वहाँ कुछ ना कुछ रिपेयर करके आता था, लेकिन तुम दोनों ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि एक महीने से एसी एकदम परफेक्ट चल रहा है। वहाँ का बॉस इतना खुश है कि तुम्हारे लिए 10,000 रुपए का इनाम भेजा है। थैंक यू। एक्चुअली ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल था। अब तुम दोनों ही हर हफ्ते उस एसी की सफाई के लिए वहाँ जाओगे।